Finally guys, alhamdulillah, we have reached at our second destination, which is Manjaro. और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और लोकेशन जो है इसकी, अगर आपको पता होगा, ये जो मस्जिद है ये पुलैक वाली मस्जिद है चौक के पास, और ये जो शेल पंप यहाँ पे आता है राइट साइड पे, ये उससे थोड़ा सा ही आगे लेफ्ट साइड पे है जी। बट साहब बाहर क्यों आ गए? अंदर सर्दी है बहुत और अंदर का जो है ये कुछ इस तरह का इनका माहौल है, विच इज़ क्वाइट नाइस। और यहाँ पे जो है इन्होंने हमारे लिए कुछ जो है वो अरेंजमेंट्स किए हैं। अभी जो यहाँ पे विंग्स आ चुके हैं, इसमें तीन किस्म के विंग्स हैं, ये वाले पेरी पेरी हैं, ये वाले लॉलीपॉप हैं, और ये वाले कौन से हैं, ये तुमने कौन से कैसे? मलाई। हाँ, ये जो है मलाई चिकन विंग्स हैं। सबसे अच्छे मुझे सिर्फ जो लग रहे हैं वो ये वाले लग रहे हैं, ये वाले लग रहे हैं, आई थिंक ये वाले स्पाइसी होंगे। ये क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि इनके साथ जो है बारबेक्यू टिक्का, विच इज़ माई फेवरेट। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे डिफरेंट लाइक थ्री टाइप्स ऑफ विंग्स हमें सर्व हो चुके हैं, जिसमें एक पेरी पेरी विंग्स हैं और एक है नाम एक मलाई विंग्स हैं, और तीसरे कौन से हैं, लॉलीपॉप विंग्स हैं। फ्राइज इनके बहुत अच्छे हैं, बारी बारी ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन लॉलीपॉप विंग विदाउट सॉस एंड देन विद सॉस। तो लॉलीपॉप विंग्स हैं, दे आर अ बिट स्पाइसी जो मुझे लगे। उसके बाद आते हैं मलाई वाले, जिनका मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छे हैं। और ये है मेन्यूज दी है हमारे मोहसिन भाई। ये है मलाई विंग्स। अहमद भाई, लग रहा है कि आपको स्पाइसी लग रहे हैं? फुल स्पाइसी, सॉफ्ट हैं, और बारबेक्यू की सॉस तो होती है, फुल सॉफ्ट हैं, स्पाइसी हैं और टेस्टी भी हैं। तीसरा जो है हमारे पास ये वाला है, कुछ करी करी और ये मुझे लगता है कि जो स्किन वाला चिकन होता है ना वो बस बस। तीनों विंग्स ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि स्पाइसी है। अब मुझे नहीं पता कि इनका नहीं, वो भी स्पाइसी है। नहीं, लाइक आप वो स्पाइसी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। जैन भाई, आपको कौन सा लगा सही? मुझे सबसे बेहतरीन ये मलाई वाला। मलाई वाले लगे और ये इसको इसको 10 out of 10। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, इनका मलाई मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ था ऑलमोस्ट 1 year back, लेकिन तब भी इनका टेस्ट यही था, अभी यही है। माशाल्लाह, इन्होंने टेस्ट कंसिस्टेंट रखा, स्टेबल किया, तो माशाल्लाह बड़ा मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इनका मलाई विंग्स। जो है किस जगह पे आए हैं आप? ये मंजारोज है और ये सर्कुलर रोड पे है, नियर शेल पेट्रोल पम्प। जी अहमद भाई, मुझे ये मलाई वाला बेहतरीन, हाईली रिकमेंडेड, और पेरी पेरी भी इनका मजे। और खाने में जो है हमें सर्व किया गया था 3 types ऑफ चिकन विंग्स, उसके अलावा 3 types ऑफ बर्गर थे, जिनमें एक फिश बर्गर था, उसके बाद चिकन ग्रिल्ड बर्गर था, और आई थिंक एक फिंगर बर्गर था, और उसमें 2 pizzas थे जिनमें हाफ हाफ जो हैं वो फ्लेवर्स थे। स्पेसिफिकली मुझे 4 flavors का नाम नहीं पता, बट 2 का मुझे पता है कि एक लाइक स्मोक व्हील पिज्ज़ा था, बारबेक्यू पिज्ज़ा जिसे कहते हैं, और एक जो है वो चिकन फजीता था।
तो वो खाने में इतने मसरूफ थे कि आपको पिज्ज़ा जो है वो दिखाई नहीं सके। लेकिन इफ़ यू वांट टू सी ऑल द पिक्चर्स, एज यू नो के पिक्चर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, मेरे इंस्टाग्राम, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे, ताकि आप खाने का रिव्यू भी चेक कर सकें और इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ और चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस की हुई हैं, आप उनको भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, खाना हम खा चुके हैं और मज़े का से भी ऑनर से हमारी बात की है, तो मतलब ऑनर इज़ अ वेरी हम्बल गाय। खाने के बारे में क्या रिव्यूज हैं भाई यार? हर चीज़ परफेक्ट थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़े का, सबसे ज़्यादा जो मज़े का मुझे लगा ना, एक वो बर्गर, फिश बर्गर और उनका मलाई विंग्स, सबसे ज़्यादा बेहतरीन और मज़े के। एक तो वो यूनिक भी थे और सबसे ना कि पहले मैंने ऐसे की चीज़ नहीं खाई, ग्रिल खाया है, फ्राइड खाया, सिंगर अब हुआ खाया है, ब्रेड क्रम्स वाला वो सब चलता है, वो तो कॉमन है, लेकिन डिफरेंट वाला सबसे बेहतरीन है। रेसिपी बहुत ही मज़े, बहुत ही मज़े की, लाइट माशाल्लाह। काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं और अलहमदिल्ला सारी चीज़ें ठीक थी माशाल्लाह। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगी है वो इनके ओनर का एटीट्यूड लगा टुवर्ड्स देयर कस्टमर, बिल्कुल माशाल्लाह। ऑल द टाइम इधर वो होते हैं कस्टमर को डील करते हैं, उनके रिव्यूज देते हैं, वो उनको इम्प्रूव करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे ओनर देखे हैं रेस्टोरेंट्स पे जो कि इन चीज़ को बहुत जिनके लिए रिव्यू मैटर नहीं करता और वो समझते हैं कि हम तीन ब्रांच हैं, छः ब्रांचें हैं, जी हमें नहीं जरूरत इन चीज़ों की। तो माशाल्लाह ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि अल्लाह पाक इनकी तरक्की दे और इनके मलाई भी ज़रूर ट्राई करें, वो बहुत टेस्टी थे और यूनिक थे और माशाल्लाह बाकी चीज़ें भी इनकी काफ़ी हाल ये है कि टेस्ट वॉज गुड और जो इनकी प्राइस है वो मैं आपको लाइक मेरे साइड पर जाना मेन्यू कार्ड नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ से आप इनकी जो प्राइसेज हैं वो देख सकते हैं। और जहाँ तक रही बात लोकेशन की, तो लोकेशन वही मैंने आपको बताई है कि जो ब्लैक वाली साइड पे आते हुए जो शेल फ्यूल पंप आता है उसकी लेफ्ट साइड पे है, लाइक दो चार दुकानें छोड़ के। तो आज का जो ब्लॉग है वो यहाँ तक ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।